नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। अपन आज बात करेंगे एबीसी कार्ड होता क्या है, एबीसी कार्ड का यूज कहाँ है, यूनिवर्सिटी ने क्या गाइडलाइन दी है, बच्चों को कब तक बनाना जरूरी है, सारी डिटेल में बात करेंगे एबीसी कार्ड की। सबसे पहले बेटा कि अपन बात करेंगे कि एबीसी कार्ड होता क्या है। ए फोर होता है एकेडमिक, बी फोर क्या होता है बैंक, और सी फोर क्या होता है क्रेडिट। सिंपल भाषा में बात करें जो एबीसी है एक तरीके का आपके लिए क्या काम करेगा, किसका, बैंक का काम। कैसे सर? जिस प्रकार की आप जाते हो बैंक के अंदर और आप खुलवा लेते हो अपना अकाउंट ओपन करवाया बैंक के अंदर, और आपने क्या किया, धीरे धीरे उसमें अपनी मनी को सेव करना स्टार्ट किया। जब आपको जरूरत होती है तब आप क्या करते हो, पैसे अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हो। ऐसा ही क्या किया, यूनिवर्सिटी ने एक बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड एक बैंक बनाया जिसको नाम दिया गया एबीसी बैंक। ये बनेगा कैसे, जैसा कि इसके नाम से ही है एबीसी बैंक। बैंक इसमें क्या किया बेटा, पहले क्या था कि बीए 3 साल की थी। मान लीजिए आप यूजी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीए कितने साल की थी, 3 इयर्स की थी। आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लिया, पास आउट कर लिया, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, अपनी स्टडी को बीच में ही क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, रोक दिया। अब 2-3 साल बाद अगर आप बीए करना चाहते हो तो क्या होता था, दोबारा से आपको क्या करना पड़ता था, फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने पड़ते थे, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन जब से नई शिक्षा नीति 2020 आई है, एनपी 2020 क्या कहती है कि इससे बच्चों का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, इयर्स के लॉसेज हो रहे थे। बच्चा फर्स्ट ईयर कर चुका था, फिर से उसको फर्स्ट ईयर करना पड़ रहा था, इसलिए उसने कहा कि हम एक क्या करेंगे, एबीसी कार्ड बनाएंगे बच्चे का। उसमें क्या करेंगे कि जो बच्चे ने बीए, मान लीजिए आपने बीए में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर आपने पास आउट कर ली, उसमें कितने परसेंट आए, लगभग 70%। मान लिया आपने कितने परसेंट आए, 70% आपके नंबर थे और आपने पास आउट कर लिया, और आपने बीए को बीच में ही क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। 5 साल बाद आप वापस आए, आफ्टर फाइव ईयर आपने सोचा कि कम से कम अपन बीए तो कर लें। तो नई शिक्षा नीति क्या कहती है, जो ये आपके 70% थे बीए के फर्स्ट ईयर के, वो आपके एबीसी कार्ड में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। जैसे ही 5 साल बाद आप दोबारा से बीए करने आते हो तो आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट क्या करोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा बीए के सेकंड ईयर में। आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम देने पड़ेंगे 2 साल, और आप क्या कर पाओगे, ग्रेजुएट हो जाओगे। ये क्या था, एबीसी कार्ड। अब बेटा ये कहां से बनेगा और कैसे आप अप्लाई करोगे, आप एबीसी कार्ड कैसे बनाओगे, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बेटा ये यूनिवर्सिटी यूजीसी ने जारी किया है, ये क्या है, आप डिजी लॉकर बनाकर। अब सर डिजी लॉकर कैसे बनेगा, आप क्या करोगे, डिजी लॉकर का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वहां पर अपने मोबाइल नंबर डालकर अपना एक अकाउंट क्रिएट करो। आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, वहां पर अगर आप सर्च करोगे एबीसी कार्ड, वहां पर आपकी कंप्लीटली एजुकेशन से रिलेटेड
कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको क्या करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे हमेशा के लिए। आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस एबीसी कार्ड में सेव रहेंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, आपके लिए एबीसी कार्ड बनाना कंपलसरी है। यूनिवर्सिटी ने कहा है, यूजीसी ने गाइडलाइन दी है कि जब तक आपका एबीसी कार्ड नहीं होगा 2023 के एग्जाम में, आप एग्जामिनेशन 2023 में आप नहीं बैठ पाओगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना एबीसी कार्ड जनरेट करें, डिजिटल लॉकर में जाकर अपना एबीसी कार्ड बनाएं और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।